सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनसेशन प्लान क्या होता है तो आप जैसे पता है कि आपको अपना जो किसी भी कंपनी को अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो उसके लिए सेल्स पर्सन को रिक्रूट करना पड़ता है सेल्स पर्सन वो होते हैं जो कि कंपनी uh, के प्रोडक्ट को सेल करते हैं कस्टमर्स को कंज्यूमर्स को तो आप उनको रिक्रूट करना फिर उनको ट्रेनिंग करना उनको जो है डेवलपमेंट करना उनके लिए फिर उसके बाद उनको जो है कंपनसेशन देना यानी कि उनको सैलरी देना सैलरी के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो जो है बेनिफिट्स जो होती हैं जो दी जाती हैं किसको सेल्स फोर्स को तो उसी को हम क्या कहते हैं कंपनसेटिंग

और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ देश तो जो बेसिक तरीका होता है कंपनसेट करने का सेल्स फोर्स को उसमें या तो आप उनको सैलरी दे दीजिए या फिर उनके जो सेल्स भी करते हैं उसके बेसिस पर कमीशन दे दीजिए या तो उनको बोनस दे दीजिए फिर बेनिफिट दे दीजिए या फिर इन सभी का कोई कॉम्बिनेशन यानी कि सैलरी के साथ आपने कमीशन दे दिया सैलरी के साथ आपने बोनस दे दिया सैलरी के साथ आपने फ्रिंज बेनिफिट दे दिए तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं तो सेल्स फोर्स की जो सर्विसेज होती है जो उन्होंने आपके प्रोडक्ट को सेल किया आपके रिटर्न को बढ़ाया आपके जो है प्रॉफिट को रेवेन्यू को बढ़ाया उसके बदले आप जो भी उनको मॉनिटरी नॉन मॉनिट्री बेनिफिट देते हैं उसी को हम कॉम्पनसेटिंग प्लान कहते हैं सेल्स कंपनसेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक बेस सैलरी कमीशन इंसेंटिव दैट आर यूज टू ड्राइव परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन तो ये सैलरी कमीशन इंसेंटिव इन सबका कॉम्बिनेशन होता है अब बात कर लें कंपोनेंट क्या है कंपनसेशन प्लान के यानी कि कंपनसेशन प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो पहला है फिक्स कंपोनेंट नॉर्मली जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स और वेरिएबल होते हैं यानी कि कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं कुछ चीज़ें क्या होती हैं वेरिएबल होती हैं फिक्स कंपोनेंट इट प्रोवाइड्स स्टेबल इनकम टू द सेल्स यानी कि आपकी मैंने हर महीने सैलरी फिक्स कर दी कि आपको जो है बीस हजार पर मंथ जो है आपको मिलेगा तो दैट इज फिक्स्ड अब आप कोई भी सेल्स करेंगे कितना भी सेल्स करेंगे आपको जो है फिक्स सैलरी तीस पर मंथ मिलेगी तो ये फिक्स कंपोनेंट हो गया इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सैलरी सैलरी जो होती है हो होती है फिक्स होती है हर आपको सैलरी जो है मिलती रहती है आपके जो भी सर्विसेज होते हैं जो भी आप जॉब परफॉर्म करते हैं और वहीं पर वेरिएबल कंपोनेंट क्या होता है कि जो जो करता है जो है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस आपको मिलता है इट इट इज हैज मोटिवेशनल रोल एंड इट इज लिंक विद द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स फोर्स तो ये जॉब परफॉर्मेंस यानी कि आपने कैसा जॉब में परफॉर्म किया है आप किसी भी महीने में बहुत ज्यादा सेल्स ले गया है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया कमीशन मिल गया बोनस मिल गया ठीक है तो ये चीजें होती है तो वो वेरिएबल कंपोनेंट होता है वो आपके जॉब परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं जो आपको मिलेंगी

रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो इसमें क्या होता है? कि सीधा -सीधा हर महीने जो है किसी टाइम पीरियड परोडक्टिविटी आप जितना सेल लेके आओगे हम उसके बेसिसन प्रोवाइड कर देंगे तो यहां पर सैलरी नहीं है कि हर महीने आपको फिक्स मिलेगा जिस महीने आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे ज्यादा सेल लेके आओगे उस दिन ज्यादा कमा सकते हो जिस दिन सेल्स लेके आओगे उस दिन आपको कम कमाएंगे

में आपने एक लाख का लिया है, तो आपको 10 परसेंट मिल गया दूसरे महीने आप एक लाख का लिया है, तो आपको 11 परसेंट का कमीशन मिल गया तो ये वेरिएबल हो गया तो फिक्स रेट ऑफ कमीशन हो सकता है या फिर वेरिएबल रेट ऑफ कमीशन हो सकता है आपके सेल्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो कमीशन मेथड कहलाता है कमीशन कैन बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वॉल्यूम सेल्स वैल्यूज प्रॉफिट लेक्शन ऑर्डर साइज एक्सेट्रा तो ये जो कमीशन होता है किसके बेसिस पे कि आप ज्यादा सेल्स वॉल्यूम ला रहे हो आप सेल्स वैल्यू के बेसिस पे कमीशन मिल सकता है प्रॉफिट के बेस पे यानी कि एक लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपको पांच परसेंट आपने दे दिया कलेक्शन के बेसिस पे या फिर ऑर्डर साइज यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा आपने ऑर्डर लेके आया है सेल्स के लिए तो उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिल गया तो इस बेसिस पे हम जो है कमीशन दे सकते हैं सेल्स फोर्स को इफ सेल्स लेवल अचीव बाई सेल्स मैन इज हाई देन ही विल सेल्स लेवल ज्यादा होगा बट कमीशन भी ज्यादा मिलेगा low, एक तो सैलरी प्लस तीसरा है क्या है सैलरी प्लस कमीशन पे आपको सैलरी के साथ साथ कमीशन भी दिया जाता है तो कुछ चीजें फिक्स होगी यानी कि हर महीने आपको तीस तो मिलेगा मिलेगा प्लस आप अगर किसी महीने दो लाख का सेल लाते हो दस लाख का सेल लाते हो तो आपको उसके लिए कमीशन भी मिलेगा

इट इज़ गिवन फॉर 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 अचीविंग सेल्स कोटा परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सेलिंग 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 एक्टिविटीज़ रिड्यूसिंग अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो आप बोनस जो है कई सारी एक्टिविटीज के लिए मिल सकता है आपने जो था, उसको अचीव कर लिया जो आपने एक्स्ट्राफॉर्म किया नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जो स्पेसिफिक लेवल था उससे ज़्यादा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा तो इस केस में कंपनी आपको जो है बोनस प्रोवाइड कर देती है तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की वजह से आपको ये बोनस मिलता है नेक्स्ट है पाँचों फ्रिंज बेनिफिट फ्रिंज बेनिफिट क्या है कि इंक्लूड रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि अगर आप जब रिटायर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेगा पेंशन प्लान्स हो सकते हैं पेड लीव हो गई कि आप किसी दिन छुट्टी नहीं लेंगे तो आपको उसके बदले पैसा मिलेगा स्टडी लीव हो गया मै मेटर्निटी लीव हो गया कार फैसिलिटी होगी मेडिकल फैसिलिटी होगी तो ये अलग अलग छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको मिलते हैं कंपनी में तो ये फ्रिंज बेनिफिट कहलाते हैं ये भी क्या है ये वेरिएबल कंपोनेंट है बेनिफिट आर गिवन टू ऑल वर्किंग एट द सेम लेवल यानी कि जो भी एक सेम लेवल पे काम करेंगे, उन सभी को सेम टाइप का फ्रिंज बेनिफिट मिलता है एंड डू नॉट वेरी विद देयर जॉब परफॉर्मेंस और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इनके जॉब परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप खराब परफॉर्म करेंगे तो आपको पेड लीव नहीं मिलेगी वहीं पर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको पेड लीव मिलेगी तो ऐसा नहीं है ये सभी लोगों को मिलता है अगर आप सेम लेवल पर हैं तो आप सभी को एक जैसा फ्रिंज बेनिफिट दिया जाएगा फ्रिंज बेनिफिट हेल्प टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्राइवेट जॉब डिससेटिस्फे तो फ्रिज

अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और सर्विस इस सेल्स यूनिट सेल्स यूनिट इंडिविजुअल सेल्स पर्सन या फिर टीम या फिर कंपनी विल सेल इन नेक्स्ट वीक मंथ क्वार्टर और इयर तो जब आप अगले आने वाले वीक में मंथ में क्वार्टर में या फिर ईयर में कोई भी सेल्स टीम है या कोई सेल्स पर्सन है वो कितना सेल कर लेगा और कितना रेवेन्यू कंपनी के लिए ले आएगा उसको फोरकास्ट जब करते हो तो उसको क्या कहते हैं सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं उसको जब एस्टिमेट करते हैं तो सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर रेवेन्यू टू बी रिसीव्ड बाई दी सर्विसेज ऑफ ए सेल्स पर्सन सेल्स यूनिट और सेल्स टीम तो उसको क्या कहते हैं सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं तो इसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं आपको देखना होगा आपने मेजर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा टेक्निक्स ज ए फाइनेंशियल प्लान विश शोज हाउ द रिस शुड बी एलोकेटेड टू अचीव फोरकास्टेड सेल्स बजट क्या हो गया कि बजट बजट तैयार करते हो जो भी हमने अचीव एस्टिमेटिंग किया है कि हमारा इतना सेल्स हो सकता है इतना सेल्स जाएगा आगे आने वाले मंथ में तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं फाइनेंशियल प्लान भी बनाते हैं कि इतना सेल्स अचीव करने के लिए हमें इतना पैसा कम से कम हमारे पास रखना होगा तो फाइनेंशियल प्लान विच शोज हाउ द रिसोर्स भी एलोकेटेड टू अचीव द फोरकास्ट सेल्स जो हमने सेल्स फोरकास्ट किया उसको अचीव करने के लिए क्या हमें फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए द मेन सेल्स सेल्स बजट फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज एंड तो हम अपने कर सके जिससे कि हम अपने फोरकास्टेड सेल्स को अचीव कर सके तो सेल्स बजट कहलाता है ही फाइनेंशियल होता है फाइनेंस को हम टारगेट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर सेट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ये सेल्स कोटा क्या है टारगेट होता है किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए आ, सेट किया जाता है जैसे कि हर मंथ जो है कम से कम सभी जो सेल्स पर्सन हैं जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक लाख यूनिट का टर्न ओवर सेल्स जो है वो लेके आना होगा तो दैट इज सेल्स कोटा आपको फिक्स कर दिया था कि आपको इतना सेल्स करवाना है इस महीने आपको उतना सेल्स करवाना है इस महीने और किसी तीसरे पर्सन को इतना सेल करवाना है इस महीने तो सेल्स कोटा आप डिवाइड कर देते हो एक लाख यूनिट आप बेचोगे दो लाख यूनिट आप बेचोगे तीन लाख यूनिट आप बेचोगे तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनकी सैलरी के बेसिस पर किसी भी बेसिस पर आप जो उनको कोटा को फिक्स कर सकते हो तो ये टारगेट होता है सेल्स कोटा को टारगेट टू बी अचीव बाई दी सेल्स पर्सन सिंपल सा कहें तो सेल्स कोटा क्या हो गया कि ये टारगेट है जो कि अचीव करना होता है सेल्स पर्सन को सेल्स करके द सेल्स कोटा मे बी फिक्सड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट ऑफ सेल्स द पीरियड फॉर विच सेल्स कोटा इज फिक्सड वेरीज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर तो देखिए जो सेल्स कोटा है उसको आप पैसे के टर्म में भी फिक्स कर सकते हो या फिर यूनिट्स के टर्म में यानी आपने एक लाख यूनिट बेचा एक लाख प्रोडक्ट बेचा तो यूनिट टर्म में हो गया एक लाख रुपए का आप टर्न ओवर लेके आए तो दैट इज रुपीज़ के केस में हो गया ठीक है और ये जो पीरियड है कि एक महीने में आपको एक लाख लाना है या फिर एक दो महीने में लाना है ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी कोई कंपनी कहती है कि आपको एक महीने में ही आपको एक लाख का टर्न ओवर लेके आना है वहीं पर कोई कंपनी कहती है कि आप एक साल छः महीने में जो है एक लाख रुपये एक लाख यूनिट बेचिए तो वो टाइम जो पीरियड है वो डिपेंड करता है डिफेंड करता है अलग कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज पर लेकिन जो कोटा होता है वो आप रुपीज़ के टर्म्स में या फिर यूनिट के टर्म्स में जो है आप उसको फिक्स कर सकते हैं और ये क्या होता है टारगेट होता है जो कि अचीव करना होता है सेल्स पर्सन को ए सेल्स कोटा इज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ सेल्समैन इन ऑर्गेनाइजेशन तो सेल्स कोटा नॉर्मली क्या शो करता है कि एक स्टैंडर्ड भी बनता है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं कि सेल्समैन कितना एक्टिव है कितना जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको आप मेजर कर सकते हैं उसकी अचीवमेंट को मेजर कर सकते हैं भाई आप आपने आपने कंपनी ने कहा कि आपको एक लाख यूनिट एक महीने में बेचना है और आपने उसको अचीव कर लिया था यानी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो सेल्स कोटा एक टारगेट होता है जो कि सेल्स को अचीव करना होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी कंपनी देती है नेक्स्ट टर्म है एज सेल्स टेरेटरी टेरेटरी क्या होता है अब देखिए टेरेटरी क्या हो गया कि एरिया एरिया तो इज द कस्टमर ग्रुप ऑफ और जियोग्राफिकल एरिया फॉर विच एन इंडिविजुअल सेल्स पर्सन और सेल्स टीम होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेल्स यानी कि जो सेल्स पर्सन है उसके अंडर में कितना एरिया आता है आप सपोज करिए कि लखनऊ है कानपुर है बनारस है तो कोई सेल्स पर्सन है तो उसको सिर्फ लखनऊ में बेचना है तो उस सेल्स पर्सन का क्या हो गया जो टेरेटरी है सेल टेरेटरी लखनऊ इसी तरीके से कोई तीसरा पर्सन है उसको कानपुर एरिया दे, दे, दे कि आपको कानपुर से सेल्स लेके आने हैं तो वो क्या हो गया उसका सेल टेरेटरी कानपुरटरी होता है कस्टमर ग्रुप यानी कि कहां के कस्टमर तो कानपुर के कस्टमर को आपको डील करना है लखनऊ के कस्टमर को आपको डील करना है यानी कि लखनऊ का रीजन आपको डील करना है कानपुर का रीजन आपको डील करना है तो ये सेल्स टेरेटरी कहलाता है है. तो किस एरिया से आपको जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एरिया में है किस एरिया में आपको सेल्स करना है तो दैट इज सेल्स टेरिटरी अब हम बात कर ले कि मोटिवेशन क्या होता है देखिए मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल मोटिवेशन यानी कि जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए जब हम मोटिवेट होते हैं हमारे अंदर जो एक्शंस आते हैं बिहेवियर शो करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वही चीज़ क्या कहलाता है मोटिवेशन कहलाता है अब गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो सेल्स फोर्स में अब क्या है कि सेल्स टारगेट दे दिया जाता है अब सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कही न कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना होगा अब आप एम्प्लॉय को जो है टाइम पर सैलरी दोगे नहीं और बोलोगे कि आप एक लाख का टर्न लेके आओ तो क्यों लेके आएगा नहीं लेके आएगा क्योंकि आप उसको टाइमली सैलरी नहीं दे रहे हो उसको कमीशन सही से नहीं दे रहे हो या फिर आप उसको जो बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो तो आपको जो है नहीं को मोटिवेट करके रखना होता है तभी वो आपके सेल्स फोर्स को सेल्स टारगेट को जो है अचीव करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस जॉब परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको थ्योरीज भी पढ़ी हुई हम यहाँ पर खाली थ्योरीज के नाम देख रहे होंगे लेकिन आपको डिटेल में आपको देखना होगा इट हेल्प्स टू इनिशिएट डिजायर्ड बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल एंड डायरेक्ट इट टू टूर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल तो जो ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करने में हेल्प करता है और डायरेक्ट uh, मतलब कि को करता है बिहेवियर को इनिशिएट करता है किसके अंदर, के अंदर. ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को सेल्स को अचीव कर सकें एफर्ट बाई वही क्या कहलाता है मोटिवेशन कहलाता है मोटिवेशन जो ज्यादा एफर्ट लगाता है, है वो जो कम एफर्ट लगा रहे लगा ही नहीं रहा हो तो यानी कि डी मोटिवेटेड तो उसको आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है अब मोटिवेशन दो सकता है है फिर नॉन उसको मोटिवेट कर सकते हो सही से जो है आप सही से दे रहे हो कमीशन आप उसको टाइमली दे रहे हो अच्छा कमीशन दे रहे हो बोनस पेमेंट भी आप उसको दे रहे हो सेल्स कॉन्टेस्ट आप करवा रहे हो जिसको अच्छी यानी कि जो इस महीने एक महीने अगले महीने जो है दो लाख का सेल करेगा उसको फॉरन टूर मिलेगा तीस सेल्स कॉन्टेस्ट जो ज़्यादा से लेकर उसको आपको फॉरेन टूर आप करवा रहे होते तो फाइनेंशियल रिवार्ड हो गया मर्चेंडाइज एंड ट्रैवल आपको जो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हो गुड्स के रूप में या फिर कहीं पे ट्रैवल करने के लिए उसको भेज दिए तो ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जिसको आप जो है सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए इंप्लॉय को दे सकते हैं और इंप्लॉई इससे मोटिवेट होता है इसी तरीके से थॉरो साइबर स्पेस इंसेंटिव भी है तो ये अलग अलग फाइनेंशियल रिवॉर्ड है वहीं पर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या हो सकता है कि रिकॉगनीशन अवार्ड यानी कि आपने सेल्स को अच्छे से परफॉर्म किया अचीव किया तो आपको जो है सर्टिफिकेट दे दिया ट्रॉफी दे दिया तो ये नॉन सर्टिफिक नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड हो गए रिकॉन्नीशन अवार्ड रिकोगोगनाइज किया जाता है आपको सभी के बीच में कि भाई आज के ये इंप्लॉयी ऑफ द ईयर हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हैं प्रमोशन आपको प्रमोट कर दिया जाए आप प्रेज एंड एनकरजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट आपको जो मैनेजमेंट है हाई लेवल मैनेजमेंट है वो आपको जो है प्रेज करता है आपको जो है इंकरेज करता है कि वेरी गुड शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया कंपनी के लिए जॉब एनरिचमेंट आपके जॉब में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं कि जैसे कि आपकी जॉब एरेजमेंट होती है सेल्स मीटिंग एंड कन्वेंशन करवाए जाते हैं जहाँ पर आप लोगों से मिला जाता है आपको मोटिवेट किया जाता है ये नॉन फाइनेंशियल यहाँ पे पैसे नहीं

गोल सेटिंग थ्योरी तो ये चार थ्योरी है ये आपको देखना होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपने इसको पढ़ा भी होगा हम यहाँ पे डिटेल इसको नहीं देखेंगे तो नीड हरार की थ्योरी नॉर्मली क्या होता है कि मैसलॉज नीड हरार की थ्योरी कहते हैं इसको तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है सेफ्टी नीड्स होती है लव एंड बिलोंगनेस की नीड होती है और फिर सेल्फ स्टीम की नीड होती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है तो इसको अचीव करने के लिए जो भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या कहता है कि मेहनत करता रहता है तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है मोटिवेट करना है इसी तरह से हज टू फैक्टर थ्योरी है यानी कि कुछ चीज़ें होती है जो मोटिवेटर्स का, का काम करते हैं कुछ चीज़ें जो होती है जो फैक्टर्स होती है जो हाइजीन फैक्टर्स होती हैं जो कि एम्प्लॉय के पास होना जरूरी है जैसे अचीवमेंट रिकॉगनीशन द वर्क इट्स सेल्फ रेस्पॉसिबिलिटी एवंसमेंट ग्रोथ ये क्या है ये सारी चीज़ें अगर कंपनी है तो ये मोटिवेट करती है ह्यूमन रिश्सो सेल्स पर्सन को वहीं पर कंपनीज़ पॉलिसीज़ कैसी है सुपरविजन कैसा है रिलेशनशिप कैसा है वर्क कंडीशन कैसी है रेमलेशन कैसी है तो ये हाइजीन फैक्टर है जो कि मोटिवेट करने में भी हेल्प करती है और सेल्स को इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है ईआरजी थ्योरी यानी कि एक्जिस्टेंस रिलेटेडनेस और ग्रोथ ये कहीं ना कहीं एक तरीके से नीड हेरार की थ्योरी कि एग्जिस्टेंस रिलेटेड एंड ग्रोथ ये भी क्या है मोटिवेशन थ्योरी है वहीं पे जो लास्ट है गोल सेटिंग थ्योरी गोल सेटिंग यानी कि आप गोल को सेट करते हो और उसको अचीव करने के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हो क्लियरिटी होना चाहिए जो गोल है वो चैलेंजिंग गोल होना चाहिए कमिटमेंट होना चाहिए इंप्लॉय की तरफ से फीडबैक भी आप उसमें ले रहे हो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी जो टास्क है वो कैसा है ईजी तो नहीं है कॉम्प्लेक्स होना चाहिए थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग होना चाहिए तो गोल सेटिंग थ्योरी थी आपको जो -डे आपको है डिटेल से आपको वहां से पढ़ लेना होगा सेल्स रिपोर्टिंग देखिए रिपोर्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा रिपोर्ट क्या है डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप क्वानिटेट

सेल्स रिपोर्टिंग क्या हो गया रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ अस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एक्टिविटीज़ ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी आप सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म किए हैं उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होता है उसको सही तरीके से रखना और उसको जो है मॉनिटर करना उसको एनालिसिस करना ही सेल्स रिपोर्टिंग कहलाता है तो सेल्स एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो सेल्स पीपल होते हैं वो अपने सभी रिकॉर्ड्स यानी कि उन्होंने कितने सेल्स कॉल की उन्होंने कितने सेल्स लीड मिली उनको कितना सेल हुआ है ये सारे रिकॉर्ड्स जो है मंथली बेसिस पे यहाँ तक कि वीकली बेसिस पे

जनरेटेड एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि कितना सेल्स हुआ है कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है किसी पर्टिकुलर मंथ में किसी पर्टिकुलर वीक में और कस्टमर को एक्वायर करने की क्या कॉस्ट आई है उन सबसे रिलेटेड डेटा जो है वो सेल्स रिपोर्ट में बताया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप जो है सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं जैसे मंथली और क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट यहां पर क्या हुआ है कि जो सेल्स रिपोर्ट होता है कि एक किसी मंथ में या फिर किसी एक क्वार्टर में कितना जो है यूनिट सेल हुआ है कितना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आया कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है इन सबसे रिलेटेड डेटा वहां पे बताया जाता है डेली सेल्स कॉल रिपोर्ट कि कितना जो है डेली रेवेन्यू जनरेट हुई है कितना सेल हुआ कितना हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है एक्सपेंस कितना आया है सेल्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में कस्टमर को एक्वायर करने में एक्सपायरी गुड्स और ब्रेकेज रिटर्न रिपोर्ट होता है यानी कि यहां पे क्या होता है कि जो भी गुड्स एक्सपायर हो गई होती है या फिर जो टूट फूट गई होती है उनका रिपोर्ट कितनी गुड्स ब्रेक हो गई हैं या फिर कितनी एक्सपायर हो गई हैं उनको रिटर्न कर दिया गया है कंप्लेंट रिपोर्ट जो भी कंप्लेंट कस्टमर की तरफ तो से आती है उसकी रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है कि क्या क्या टाइप के कंप्लेन है कि, किस किस प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेन है मंथली सेल्स प्लान रिपोर्ट होता है यहां पर क्या होता है कि मंथली सेल्स यानी कि टारगेट रिपोर्ट होता है कि, कि कितना आपने टारगेट बनाया था और कितना आपने जो है अचीव कर लिया है तो मंथली सेल्स प्लान रिपोर्ट तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट होते हैं तो आप यहाँ पे एक फॉर्मेट देख सकते हैं ये क्या है मंथली सेल्स रिपोर्ट का फॉर्मेट है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले क्या हुआ कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि सेल्स प्लांट यानी कि सेवन हंड्रेड डॉलर का जो है आप अगले महीने में सेल्स टारगेट अचीव करना चाहते हो क्लियर तो वहां पे जो है आपने पर डे के अकॉर्डिंग कि किस दिन कितना सेल हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने हाँ पे रिपोर्ट तैयार कर ली एक्सेल एक्सट में उसके बाद आपने टोटल किया तो सिक्स जो है आपने सेल जो है जनरेट किया उस पर्टिकुलर मंथ में तो आपने जो है नियरली आप देखा जाए तो यहां पर नाइनटी आपने जो है सेल्स टारगेट अचीव कर लिया है क्लियर तो इस तरीके से जो है आप क्या करते हैं सेल्स रिपोर्ट तैयार करते हैं ये क्या है ये मंथली सेल्स रिपोर्ट यानी कि पर डे कितना हुआ है और कितना टारगेट का कितना परसेंट जो है आप, आप चीफ कर लिए हैं तो दैट इज सेल्स रिपोर्ट नेक्स्ट टॉपिक है कि देखिए प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि इनपुट बाई आउटपुट कितना आपने इनपुट लगा कितना आउटपुट मिला है उसका रेशियो क्या होता है प्रोडक्टिविटी कहलाता है तो सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि सेल्स फोर्स ने कितना इनपुट दिया और उन्होंने कितना जो है आउटपुट निकाला है तो रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ सेल्स पर्सन यानी इनपुट एंड देयर इफेक्टिवनेस यानी कि आउटपुट यानी कि सेल्स फोर्स जो है कितना एफर्ट लगा

आदमी ने कितने हफ्ते में कितने दिन काम किया एक हफ्ते में जो भी काम किया उसके बदले उन्होंने कितना यूनिट सोल्ड किया है इससे जो है सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है यानी कि किसी पर्टिकुलर टेरेट्री से कितना सेल्स जनरेट हुआ है उससे आप जो है मेजर कर सकते हैं पर पर्सन पर मंथ प्रोडक्टिविटी एक पर्सन एक मंथ में कितना प्रोडक्टिविटी कितना सेल्स जनरेट कर रहा है और कितना उस पर खर्च हो रहा है कितना सेल्स जनरेट कर रहा है सेल्स टू मार्केटिंग एक्सपेंस रेशियो यानी कि मार्केटिंग में कितना एक्सपेंस किया जा रहा है और कितना सेल्स हो रहा है उसके रेशियो से आप प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं कन्वर्जन रेट यानी कि कितना कन्वर्जन है कि कि कितने एक सेल्स पर्सन है वो कितना जो है सेल्स कॉल कर रहा है उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कितने लोग परचेज कर रहे हैं कितने लोग जो है आपके गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो कितने लोग एज अ कस्टमर को कन्वर्ट हो जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स सेल्स फोर्स फोर्स देखिए का मतलब होता है करना 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 किसी किसी चीज को को या फिर किसी को करना. उसको करना. तो दैट इज सेल्स फोर्स सेल्सल क्या हो जाएगा डिटरमाइन ऑब्जेक्टली रियल वर्थ ऑफ द सेल्स मैन सो एज टू टेक डेफिनेट डिसीजन रिगार्डिंग हिस्स प्रमोशन इंक्रीमेंट ट्रांसफर और इवन डिमोशन और डिस्चार्ज तो सेल्स फोर्स एप्रेजल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आप जो है रियल वर्थ को जो है एनालाइज करते हो उसको एसेस करते हो कि भी सेल्समैन का कि आप उस पर कितना खर्चा कर रहे हो और वो कितना सेल्स लेके जनरेट कर रहा है कितना सेल्स लेके आ रहा है अगर सही परफॉर्मेंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर कर सकते हो अगर जॉब तो से निकाल सकते हो डिस्चार्ज कर सकते हो तो सेल्स फोर्स को एसेस करना उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करना तो बात कर तो आपको एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है सेट करना पड़ेगा चाहे वो कोटा के वे पे कॉल्स पर डे के हिसाब से ऑर्डर कॉल रेशियो के अकॉर्डिंग एवरेज कॉस्ट पर कॉल के अकॉर्डिंग या फिर सेलिंग एक्सपेंस रेशियो अब सपोज करिए आपने जो है सेल्स कोटा के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि पर मंथ जो है हंड्रेड है यूनिट सेल करना है किसी भी सेल्स पर्सन को अब उस हंड्रेड यूनिट के अकॉर्डिंग जो है उसकी परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे अगला काम क्या होगा कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस यानी कि पर मंथ हर इंप्लॉय ने कैसी परफॉर्मेंस दी है उसको एक रिकॉर्ड तैयार करोगे सेल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा जो सेल्स पर्सन आपको रिपोर्ट देगा उसमें उसकी परफॉर्मेंस लिखा होगा कि उसने उस पर्टिकुलर मंथ में कितना यूनिट सेल किया है अब सपोज करिए किसी मार्च महीने में उसने जो है यूनिट सेल किया है, कि है? है? तो कि पर मंथ सभी इंप्लॉय को एटलीस्ट हंड्रेड यूनिट सेल करना चाहिए लेकिन कुछ इंप्लॉय एक यूनिट सेल कर दे रहे हैं कुछ इंप्लॉयज सौ यूनिट सेल हैं कुछ इंप्लॉय एटी यूनिट सेल कर रहे हैं तो उसके बेसिस उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या करते हो रेमेडियल एक्शन लेते हो यानी कि आप या तो उनको प्रमोट करोगे या फिर उनको जो है आप फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे या फिर उनको निकाल दोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं तो ये जो है सेल्स फोर्स अप्रेजल करने का तरीका है सबसे पहले आप क्या करोगे मेजरमेंट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा चाहे वो सेल्स कोटा के अकॉर्डिंग चाहे कॉल्स के अकॉर्डिंग चाहे एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग या सेलिंग एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग आप जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे उसके बाद हर इंप्लॉय का उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को मेजर करोगे उस मेजर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपने सेट किया उसको कंपेयर करोगे कंपेयर करने के बाद जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं अगर कम है यानी कि परफॉर्मेंस पुअर है तो आपको जो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा कि या तो उसको ट्रेनिंग दोगे या तो डेवलपमेंट कराओगे या फिर उसको प्रमोशन करो रिमूवल कर दोगे या डिस्चार्ज कर दोगे या फिर अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको प्रमोट करोगे इंसेंटिव दोगे या फिर कोई फर्दर उसको जो है मोनिट्री या फिर नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स उसको आप दे सकते हैं तो ये जो है सेल्स फॉर अप्रेजल कहलाता है विश यू ऑल द बेस्ट कीप पॉचिंग